नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे और आपके YouTube चैनल ऑनलाइन अवेलेबल पे। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने 2019 में होने वाले मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा में बिहार बोर्ड ने OMR सीट और उत्तर पुस्तिका से रिलेटेड बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड परीक्षा 2019 OMR सीट और उत्तर पुस्तिका से होंगे बदलाव। BSB ने लिए कई फैसले, नीचे आते हैं तो खबर डिटेल्स में दिया है। अगले वर्ष 2019 में होने वाले बोर्ड इंटर और मैट्रिक परीक्षा में को कदाचार मुक्त बनाने और बेहतर ढंग से आयोजित करने को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कई फैसले लिए हैं। शुक्रवार को इस बाबत बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में बार कोडिंग, परीक्षा संचालन, चेकिंग, परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया। उत्तर पुस्तिका का रंग अलग होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल या पिछले साल जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होती थी उसमें उत्तर पुस्तिका एक ही कलर का आता था, लेकिन इस 2019 में होने वाले एग्जाम में उत्तर पुस्तिका का भी कलर चेंज रहेगा, रंग उनका अलग अलग रहेगा। उत्तर पुस्तिका का रंग अलग होगा। बैठक में फैसला लिया गया है कि अब मैट्रिक परीक्षा के दौरान दो शिफ्टों की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका का रंग अलग अलग होगा। पहले शिफ्ट में जो एग्जाम होगा उसका उत्तर पुस्तिका का कलर दूसरा रहेगा, दूसरे शिफ्ट में जो एग्जाम होगा उसका उत्तर पुस्तिका का कलर दूसरा रहेगा। OMR सीट में बदलाव, OMR सीट में भी बदलाव किया गया है। OMR सीट के बीच के हिस्से को अन्य दो भागों से अलग करने के लिए अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया है कि बीच के हिस्से का रंग अन्य हिस्सों की तुलना में किसी अन्य रंग का हो और उस हिस्से को स्टूडेंट द्वारा नहीं भरे से संबंधित निर्देश बड़े आकार में प्रिंट किए जाएंगे ताकि विद्यार्थी उस हिस्से का इस्तेमाल न करें। परीक्षकों को 30% इंसेंटिव मिलेगी। 2019 से मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना को लागू करने का प्रस्ताव है। त्रुटि रहित मूल्यांकन करने पर परीक्षकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में पारिश्रमिक तुलना में कम से कम 30% तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी टीचर कॉपी की जांच करेंगे उसको ईमानदारी से यदि करते हैं तो उनको 30% ज्यादा रुपया मिलेगा। समस्या निपटाने के लिए सभी के लिए अलग अलग पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी, परीक्षा केंद्रों, मूल्यांकन केंद्रों, स्टूडेंट की शिकायतों आदि सभी के लिए अलग अलग पोर्टल बनाए जाएंगे। 2019 के बाद परीक्षा के दौरान बार कोडिंग को लेकर बिहार बोर्ड विशेष ध्यान देगा। बार कोडिंग के लिए केंद्रों को बढ़ाया जाएगा, अधिक लोग लगाए जाएंगे। बिना किसी गलती से सही बार कोडिंग करने वालों को 20% तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अन्य फैसले, प्रैक्टिकल की आंसर शीट को फिर से डिजाइन किया जाएगा। जिन केंद्रों से त्रुटि रिपोर्ट मिली उस पर एक माह में कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस बार सभी मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट को प्रैक्टिस के लिए डॉमी OMR सीट भेजी जाएगी। तो यही था दोस्तों बिहार बोर्ड का OMR सीट और उत्तर पुस्तिका से रिलेटेड खबर। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।